हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हॉट मेटल रहता है, हॉट मेटल का केमिस्ट्री क्या रहता है, और वो जो जब स्टील बनता है तो स्टील बनने की कंडीशन में उसका केमिस्ट्री क्या रहता है। यानी कि आप सबको दोस्तों पता ही होगा, जो हमारा स्टील बनता है, स्टील बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, आयरन ओर और चाहिए रहता है। इस आयरन ओर को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट करते हैं और उसमें रिफाइनिंग करते हैं, कोरेक्स में मेल्टिंग करते हैं। ये ऐसा बहुत सारे प्रोसेस है जिससे उससे होकर आयरन ओर को निकलना पड़ता है, तब जाके वो क्या बनता है, आयरन बनता है, या तो फिर आयरन प्लस कार्बन जिसको बोलते हैं हम लोग स्टील। तो ये दोस्तों स्टील बनाने का मेथड है। स्टील बनाने का मेथड मैंने बहुत सारे अपने इस चैनल पे बना के अपलोड किया है। तो दोस्तों आपको और स्टील बनाने का कोई भी मेथड नहीं पता होगा तो आप यहाँ से एक एक स्टील मेकिंग प्रोसेस को आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि हमारे जो स्टील प्लांट रहता है, स्टील प्लांट में आयरन जो रहता है वो आयरन ओर रहता है। आयरन ओर से हम लोग स्टील मेटल बनाते हैं तो फाइनल केमिस्ट्री क्या मिलता है, और उसके पहले हॉट मेटल में केमिस्ट्री क्या रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जब ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर चार्ज करते हैं तो आयरन ओर रहता है Fe2O3 के फॉर्म में रहता है, या Fe4O5 ऐसा रहता है। जो हेमेटेड में आयरन ओर रहता है वो ऐसा फॉर्म में रहता है। उस आयरन को हम लोग जब ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करते हैं यहाँ पे, तो हमें केमिस्ट्री क्या मिलता है, कोरेक्स में चार्ज करेंगे तो केमिस्ट्री क्या मिलेगा। इसी तरह के और भी फर्नेस हैं जो कि आयरन ओर को क्या बोलते हैं, मोल्टन मेटल में कन्वर्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो आयरन ओर है उसमें 70% जो Fe4O5 इसमें 70% क्या रहता है, आयरन रहता है। इस 70% आयरन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोला जाए तो, जो कि हमारे इस केमिस्ट्री की लिस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ में क्या है, कार्बन है। कार्बन कहाँ से आता है, कार्बन कोक से आता है। सिलिकन है, सिलिकन कहाँ से आता है, जो हमारा आयरन ओर रहता है उसमें भी सिलिकन आता है। और फॉस्फोरस भी हमारा क्या है, इम्प्योरिटीज। यानी कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है कोक से। कोक में कुछ अमाउंट में जो मॉइस्चर रहता है, या फिर कुछ अमाउंट में जो उसमें बोला जाए तो रोस्टिंग नहीं करते हैं, डिकार्बोनाइजेशन प्रोसेस कोक वन नहीं करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, सल्फर रहता है। फॉस्फोरस भी आयरन ओर से नहीं, कोक से आता है। मैग्नीज जो रहता है वो आयरन ओर से आता है, और एल्यूमिनियम रहता है वो आयरन ओर से सम अमाउंट में आता है, या तो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अभी दोस्तों सभी को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। जो हॉट मेटल में रहता है वो आयरन, जो हॉट मेटल में रहता है उसमें कार्बन कितना परसेंट रहता है, उसमें रहता है 4.5। जैसे कि दोस्तों ये दिखा गया है 4.5% रहता है, लेकिन एक्चुअली हमें जब स्टेनलेस स्टील बनाना रहेगा या लो कार्बन स्टील बनाना रहेगा तो हमें उस केमिस्ट्री को कितने तक हम लोग कार्बन कितने तक लेके जाते हैं, 0.03% तक। इसी प्रकार दोस्तों सिलिका को देखा जाए तो सिलिका जो रहता है वो स्टार्टिंग में रहता है हमारा 0.8%, लेकिन सिलिका जो है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो स्टील केमिस्ट्री बनाते हैं हम लोग, उस स्टील के केमिस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है। यानी कि उसमें सिलिका परसेंट क्या चाहिए, लो चाहिए, नहीं तो हमारे क्या है, हॉट मेटल या जो स्टील का ग्रेड है उसको इफेक्टेड करेगा। तो हम लोग 0.8 से 0.2 तक हम लोग क्या करते हैं, सिलिका को रिड्यूस करते हैं हॉट मेटल से सेकेंडरी स्टील मेकिंग या फाइनल स्टील मेकिंग प्रोसेस में। उसी प्रकार दोस्तों देखें तो सल्फर जो स्टार्टिंग में हॉट मेटल कंडीशन रहता है या फिर पिग आयरन के कंडीशन में रहता है, उस कंडीशन में दोस्तों सल्फर जो रहता है 0.045% रहता है, लेकिन इसको भी क्या है, हमारे इम्प्योरिटीज़ है। तो इम्प्योरिटीज़ को इसको यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ रहते हैं उसको बाहर निकाल के हम लोग क्या करते हैं, 0.005% सल्फर को मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा जो स्टील का ग्रेड है वो प्रॉपर मेंटेन हो सके, उसमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्ली हमें अचीव हो सके। इसी प्रकार दोस्तों फॉस्फोरस को भी देखें तो फॉस्फोरस क्या है, मटेरियल को ब्रिटल कर देता है।
तो फॉस्फोरस हमारे लिए उपयोगी है क्या? नहीं। तो दोस्तों फॉस्फोरस को हम लोग जब हॉट मेटल में रहते हैं उस कटन में हॉट मेटल में 0.14% फॉस्फोरस रहता है, लेकिन जब उसको स्टेनलेस स्टील बनाना रहता है या कोई अच्छे जो लो कार्बन स्टील बनाना रहता है तो उसको हम लोग कितना तक मेंटेन करके जाते हैं, 0.005 तक हम लोग यहाँ पर मेंटेन करते हैं स्टेनलेस स्टील में, या फिर जो लो कार्बन स्टील है, लो अलॉय स्टील है उसमें यूज़ करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि मैग्नीज जो रहता है हॉट मेटल की कंडीशन में कितना रहता है। तो दोस्तों देखते हैं ये है मैग्नीज जो रहता है 0.06% रहता है, जो कि हमें बहुत ही कम चाहिए रहता है, इसीलिए हम लोग इसको रिड्यूस करके क्या करते हैं 0.5% तक करते हैं। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज उसका वियर रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, इसीलिए वो अगर जिस मटेरियल में हमें वियर रेजिस्टेंस चाहिए, जैसा कि हमें किसी डंपर की टाली बनाने वाले सीट की ज़रूरत है, तो उसे मैग्नीज हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो वैसे ही कंडीशन में हम लोग मैग्नीज को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दोस्तों हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडाइज़र के रूप में इसमें क्या करते हैं, हॉट मेटल में ऐड करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो सके और अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सके। तो एल्यूमिनियम का अगर परसेंटेज देखें तो 0.025% रहता है। तो ये रहा दोस्तों हमारे हॉट मेटल में क्या क्या रहता है। लेकिन हॉट मेटल के अलावा जब हम लोग स्टील का प्योरीफिकेशन करते हैं, यानी कि हॉट मेटल से प्योर हम लोग क्या बनाते हैं, स्टील या स्टील का क्या बनाते हैं, ग्रेड। तो ये ग्रेड है जो है वो कैसे मिलता है, उसमें हम लोग बहुत सारे अलॉय का भी एडिशन करते हैं, यानी कि ये जो यह बॉक्स में आएगा अलॉय, ये अलॉय क्या कितना परसेंट रहता है, जैसा हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो क्रोमियम कितना रहेगा 18% और निकिल कितना रहेगा 8%। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग जो स्टेनलेस स्टील या जो भी स्टील बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलॉय का एडिशन करते हैं। अलॉय कौन कौन सा रहेगा, निकिल रहेगा, क्रोमियम रहेगा और नोबिडियम रहेगा, वेनेडियम रहेगा, ऐसा हम लोग अलॉय का एडिशन करते हैं। जब वो हॉट कंडीशन में रहता है तो हॉट कंडीशन में हमारे पास कोई अलॉय नहीं रहता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो हॉट मेटल का है वो स्टील में कन्वर्ट होता है, तो उसका केमिस्ट्री कैसे रहता है, उसमें क्या क्या हम लोग रिमूव करके क्या क्या रिड्यूस करते हैं, वो ये सब इस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ये सबको हम लोग कैसे कितने अमाउंट पर मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल रहा तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो और लाते रहें और आप इसको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।